नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग देखिए फ़ायदे की बात में लगातार आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है उस पर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाए, थोड़ा गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अपना बिजनेस छोटा हो या बड़ा स्टार्ट कर पाएँ। बहुत से न्यूकमर ही हम लोगों के पास आते हैं, पुराने जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं उनके पास तो मान लीजिए लाइसेंस वगैरह होता है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम आता है कि कैसे मार्केटिंग किया जाए या कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए ताकि उनका बिजनेस बढ़े। मगर जो नए आते हैं उनके लिए ये तीनों चारों समस्याएं होती है, लाइसेंस की भी जानकारी नहीं होती, फंड की भी मैनेजमेंट नहीं होती और फिर आपका बिजनेस मार्केटिंग का भी नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा हम लोग पेड कंसल्टेंसी जो चलाते हैं उसमें गाइड करते हैं उन लोगों को कैसे करना है नहीं करना है, और बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सबको जानकारी दे देते हैं ताकि कोई भी अगर चीज़ हो, टॉपिक हो तो आप सब जानें और अपना व्यापार कर पाएँ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक तंबाकू होलसेल के ऊपर हम लोगों ने बनाया था पहले कि तंबाकू होलसेल का व्यापार घर बैठे करें और मोटा मुनाफा होगा, तो उसमें सारा जानकारी हम लोगों ने दिया था कि अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है या कहां से मंगा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन है राजीव रंजन कुमार का कि होलसेल का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, यानी हो सके पहले से ये काम कर रहे हों इस चीज़ का, खैनी का प्रोडक्ट का, तो इनको अच्छा सप्लायर चाहिए या अच्छा मान लीजिए होलसेलर इनको नहीं मिल रहा होगा या महंगा रेट में मान लीजिए लोकल मार्केट से होलसेल से खरीद रहे होंगे तो इनको चाहिए होगा। अब होलसेल में भी देखिए दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले इनको चाहिए था कि अपना शहर का नाम बता देना और कहाँ पे ये बिजनेस करते हैं उस जगह का नाम बता देना। अगर इस आप भी जब ये कीजिएगा तो ज़रूर अपने शहर का नाम, जगह का नाम बता दीजिएगा, इससे आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट चलता है और उसका होलसेलर कौन है या कहाँ बैठा है। तो उससे क्या होता है, हम लोग उस एरिया से रिलेटेड ही होलसेलर का नंबर देते हैं जो बिजनेस करता है, तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा भी होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मिल जाता है और मान लीजिए जो प्रोडक्ट चाहिए उन लोगों को पता होता है तो आपको सही चीज़ सही कीमत पे मिल जाती है। तो होलसेल में दो होता है, एक होता है कि कुछ लोग मान लीजिए जो किसान हैं वहाँ से ख़रीद के ला के अपने यहाँ पे होलसेल करते हैं, और कुछ हैं जो होलसेलर से ख़रीद के छोटे शहर में होलसेल करते हैं। जैसे मान लीजिए खैनी का जो मेन काम है आपका गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, कूचबिहार, ऐसे 5-6 जगह पे सबसे ज़्यादा होता है, तो जिस एरिया में जो फ्लेवर चलता है उसके अनुसार से होलसेलर होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसानों से मंडी से ख़रीद के अपने यहाँ पर ले जाके होलसेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है 5-10 रुपये वो भी अपना मुनाफा रखते हैं क्योंकि उनका भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा और प्रॉफिट का खर्चा, ऑफिस वगैरह आदमी सब रखे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा मुनाफा तो उनको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन में रहने के लिए आपको महंगा प्रोडक्ट पड़ जाता है जिससे आपको सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एरिया वाइज अगर आप काम करते हैं जिस एरिया में, जैसे मान लीजिए आपको पूरे बिहार में काम करना है तो यहाँ पर सहरसा और मुजफ्फरपुर ये दो होलसेल मार्केट है, यहाँ से आपको होलसेलर का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको यूपी में काम करना है तो आपका कायमगंज और इधर आजमगढ़, इधर बहुत सारा मार्केट है जहाँ से आपको सामान मिल जाएगा। आप गुजरात में करते हैं पीलीपत्ती वाला तो गुजरात में मिल जाएगा, तमिलनाडु में करते हैं तो आपको तेलंगाना का मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। इस तरीके से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग आपको होलसेलर का नंबर जो है प्रोवाइड कर देंगे। मगर ख़रीदना बेचना ये टोटली आपका पर्सनल होगा, हम लोग किसी भी तरीके के सेल्स या परचेज में नहीं रहते हैं और ना ही कोई कमीशन में रहते हैं, तो नंबर प्रोवाइड करना है कर देंगे, बाकी बात आपका है। हाँ, हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, अगर आप हम लोगों से अपना पर्सनल टाइम बुक करके कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में कि इस बिजनेस को और कैसे बढ़ाएं, क्या क्या लाइसेंस चाहिए या लाइसेंस बनवाना है, तो फिर उसमें आपको अपना चार्ज पे करना पड़ेगा जो हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं पहले क्या चार्जेस हैं, उसके बाद फिर आप टाइम बुक करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। या ईयरली भी अगर आपको काम करना हो कि पूरे साल हम लोग के साथ जुड़ के कि आप उनको गाइड करते रहिए कैसे बिजनेस होगा, देखिए अकेले कुछ नहीं होता है, ना ही मेरे से अकेले कुछ होगा ना ही आपसे अकेले कुछ होगा, हर एक आदमी एक दूसरे के काम आता है, यानी हमें जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे, बिजनेस में हम हैं क्योंकि हम लोग 10 तरह के बिजनेस में हैं तो हर एक जगह का एक्सपीरियंस हम लोग को है। आप लोग सिंगल यूनिट बिजनेस में हैं तो उसका एक्सपीरियंस है, तो हर एक चीज़ आपको नहीं हो सकता,
मान लीजिए वेबसाइट वाले से मिलिएगा तो वेबसाइट वाले का अलग अलग फील्ड के लोगों को आपको रखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ताकि मान लीजिए आपका जो टेंशन है वो सेल्स का टेंशन उतना ना रहे, परचेज अब सारा काम आप ही कीजिएगा, सेल्स भी आप ही कीजिए, परचेज भी आप ही कीजिए, पैसा भी आप ही लगाइए, ढूंढ के भी आप ही लाइए, तो फिर तो आप वो बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं ना, और बिजनेस आपसे बैठ के खाएगा और लॉस हो गया तो फिर एक बार में ही आपका ऐसा हालत होगा कि कहानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिजनेस में डिस्कशन बहुत बड़ी चीज़ है, बिना सलाह के कोई काम नहीं होता, और एक गलत सलाह आपका पूरा कहानी ख़त्म कर देगा और एक सही सलाह आपको स्टार बना सकता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपका बिजनेस है, आप लोग समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।